बिहार की हर बेटी शिक्षित व जागरूक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए नीतीश सरकार लगातार कार्य कर रही है। बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा तक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेटियों के जन्म पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 3 किस्तों में दी जा रही है। इसके साथ ही बेटियों को पोशाक के लिए राशि दी जाती है। स्कूल आने जाने में बेटियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए 9वीं में पढ़ने वाली बेटियों को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बालिका साइकिल व पोशाक योजना लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है। इससे स्कूलों में लड़कियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज्यादा हो चुकी है। नीतीश सरकार द्वारा स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की योजना से प्रभावित होकर 6 अफ्रीकी देश भी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य में 10वीं पास बेटियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बेटियों को 10,000 तो वहीं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बेटियों को 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार में 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए और स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग और प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार सरकार ने महिलाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ये कदम उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। यही वजह है कि आज बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।